प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए नई नई रेसिपीज वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुरी बोझ रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल करी। ये घर पे आप आसानी से बना सकते हो। एकदम नया स्टाइल में बनाएंगे आज। चपाती और राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले गोभी, गाजर और आलू को बॉइल करना है। 5 मिनट के लिए बॉइल कर लेंगे। बॉइल हो गया है, वेजिटेबल को पानी से अलग कर लेंगे। कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल गरम हो गया है। चिचिंडा और बरबटी को फ्राई करने के लिए तेल पे डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई करने के बाद कैप्सिकम और बॉइल वेजिटेबल डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। अच्छे से फ्राई हो गया है। हम इसे प्लेट में उठा लेते हैं। उसी तेल पे 1 चम्मच जीरा और सूखा मिर्च डाल देंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का फ्राई करें, पूरा ब्राउन होने तक फ्राई ना करें। इसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा भूनें। भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भूनें। भूनने के बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नहीं तो मसाला जल जाएगा। मसालों को अच्छे से भूने। भूनने के बाद वेजिटेबल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो रख के 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद ढक्कन खुल के देखते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस ऑफ कर देते हैं। मेरा मिक्स वेजिटेबल करी बन के तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।